बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास फ्रॉम अल असद इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज तंगी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। आपको मैं समझाऊंगी जैसा कि आपको होमवर्क में दिया गया है शॉर्ट फॉर्म में। मैं आपको जस्ट थोड़ा समझा देती हूँ इसके बारे में। पीपी लॉन्ग स्टॉकिंग एक्सरसाइज में क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर वन आपको जो दिया गया है वो ही आपने नोटबुक में नोट करने हैं नीटली। व्हाट वाज द नेम ऑफ पीपीज हाउस? पीपी के घर का नाम क्या था? आंसर हमारे पास है द नेम ऑफ पीपीज हाउस वॉज विला विलिकुला। पीपी के घर का नाम विला विलिकुला था। विला बंगला विलिकुला था। व्हाट वर टॉमी एंड अनीका थिंकिंग व्हाइल स्टैंडिंग बाय देयर गेट? टॉमी और अनीका क्या सोच रहे थे जब वो अपने गेट के साथ खड़े थे? तो क्या सोच रहे थे वो? आंसर में क्या है हमारे पास? व्हाइल टॉमी एंड अनीका वर स्टैंडिंग बाय देयर गेट, जब टॉमी और अनीका अपने दरवाजे के पास खड़े थे, दे वर थिंकिंग अबाउट व्हाट दे शुड डू। वो इस बारे में सोच रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। वेदर एनीथिंग एक्साइटिंग वॉज लाइकली टू हैपन, क्या कुछ दिलचस्प होने के लिए है? और वेदर इट वॉज गोइंग टू बी वन ऑफ दोज डल डेज, या फिर वो उन उकताहट बड़े दिनों में से एक होगा। विन दे कुडंट थिंक ऑफ एनी थिंग टू प्ले, जब वो किसी खेल के बारे में नहीं सोच सकते थे। क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट, वट वॉज अनयूजल अबाउट हाउ पीपी वेंट ऑन हर मॉर्निंग वॉक? ऐसा क्या गैर मामूली था पीपी के बारे में, पीपी के सुबह की सैर के बारे में, जब वो सुबह की सैर के लिए चलती थी या चली गई? आंसर द अनयूजुअल थिंकिंग अबाउट पीपीज मॉर्निंग वॉक वॉज दैट शी वॉक्ड विद वन फुट इन द गटर एंड वन फुट ऑन द साइड वॉक। ऑन द वे बैक शी वॉक्ड बैकवर्ड्स। अनयूजुअल गैर मामूली सोच, गैर मामूली बात पीपी के मॉर्निंग वॉक के बारे में ये थी कि उसका एक पाँव नाली में था और एक पाँव फुटपाथ पर था, साइडवॉक फुटपाथ पर था, और वो उल्टे पैरों चल रही थी। तो ये बात बहुत ही अजीब थी पीपी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्री कंट्रीज डिड पीपी से शी हैज़ बीन टू? बीन टू, नॉट बीन, इट इज़ बीन। वो कौन से तीन ममालिक है जिनका जिक्र पीपी ने किया कि वो वहाँ जा चुकी है? थ्री प्लेसेस मेंशन्ड आर द कॉन्गो, इजिप्ट एंड द साउथ अमेरिका। तीन जगह जो पीपी ने मेंशन किए थे वो हमारे पास कॉन्गो, एक हमारे पास फर्स्ट कंट्री कॉन्गो, सेकंड इजिप्ट एंड थर्ड इज साउथ अमेरिका। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वर पीपीज पेरेंट्स? पीपी के वालिदैन कहाँ पर थे? पीपीज मदर वाज डेड एंड हर फादर वाज इन द कैनिबल आइलैंड। पीपी की माँ मर चुकी थी और उसका वालिद आदमखोरों के जजीरे पर था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर टू, से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टोरी आर ट्रू और फॉल्स? टॉमी एंड अनीका लिव्ड नेक्स्ट डोर टू पीपी। टॉमी और अनीका
बीबी के पड़ोस में रहते थे, सो इट इज़ ट्रू, वो उनके पड़ोसी ही थे। सेंटेंस नंबर बी, द मंकी वॉज वेयरिंग एन ऑरेंज टाई, मंकी ने एक नारंगी रंग की टाई पहनी हुई थी। नो इट इज़ रॉन्ग, सो द नेक्स्ट इज Students, please correct it. This is not shoes, it is shoes. Pippi's shoes. ये correction कर ले आप students, इसे ठीक कर ले, shoes की जगह shoes कर ले, यहाँ पर mistake हुआ है। Pippi's shoes were too small. Pippi के जूते बहुत छोटे थे, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि उसके जूते लंबे थे। Tommy, number D है, Tommy was very shy. टॉमी बहुत शाय थी, मतलब बहुत शर्मीली थी, शर्माती थी। इज इट ट्रू? नो इट इज़ फॉल्स, सॉरी, टॉमी इज़ अ बॉय, अनिका वॉज अ गर्ल। पीपी वॉक्ड होम बैकवर्ड, पीपी घर उल्टे पैरों चल पड़ी। इट इज़ ट्रू, उल्टे पैरों ही वो चल रही थी। पीपी इनवाइटेड टॉमी एंड अनिका टू ब्रेकफास्ट, पीपी ने टॉमी और अनिका को नाश्ते पर मधु किया। सो इट इज़ ट्रू, लास्ट में हमने पढ़ा था कि आखिर में पीपी उन्हें ब्रेकफास्ट पर, नाश्ते पर इनवाइट करती है। एक्सरसाइज भी हमारे पास है, वर्किंग विद वर्ड्स, इसमें वर्ड्स दिए गए हैं आपको, सेंटेंसेस आपके पास है, आपको दिए भी गए हैं, लेकिन आपने ख़ुद से भी बनाने हैं, खुद भी कोशिश करनी है इसे देखकर। वर्ड्स मैं आपको समझा देती हूँ। स्टेप्ड आउट, स्टेप्ड आउट, कदम बाहर निकालना। इन द स्कूल गेट ओपन, ऑल द स्टूडेंट्स स्टेप्ड आउट। सो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, आपने खुद से भी कोशिश करनी है और सेंटेंसेस बनानी है। जब स्कूल गेट खुला तो सारे ही स्टूडेंट्स बाहर आ गए या कदम बाहर निकाले। हैड नो आइडिया, कोई अंदाज़ा नहीं है। आई हैड नो आइडिया दैट यू चीट मी, मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि तुम मुझे धोखा दोगे, धोखा दोगे या धोखा दे सकोगे। वंडरिंग वेदर, वंडरिंग हैरान रहना, वेदर जब कभी। सो आई एम वंडरिंग वेदर यू कम फर्स्ट। ग्रो बढ़ना, द सीड्स ग्रो इंटू ट्रीज। गैदर्ड यकजा होना, इकट्ठा होना। द कोच गैदर्ड हिज प्लेयर टुगेदर्ड। इट मस्ट बी एडमिटेड, ये तारीफ ज़रूर करनी होगी, ये एतराफ करना होगा। इट मस्ट बी एडमिटेड दैट दे आर वेरी बोल्ड, रिमार्केबल, गैर मामूली। द बिल्डिंग ऑफ आर स्कूल इज़ वेरी रिमार्केबल। यू कैन बी श्योर, आपको श्योर होना चाहिए, एक बात पर यकीन होना चाहिए। पोलाइटली शी इज़ टॉकिंग पोलाइटली, पोलाइटली शाइस्तगी से या महज़ब अंदाज में। सो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको ये वर्ड समझ में आ गए होंगे, आपके अपने ही लेसन से लिए गए हैं, आपने इस पर सेंटेंसेस बनाने हैं अपनी मर्जी के। ये वाले भी लिख लें नोटबुक्स में, और इसके अलावा भी आप फ्री हैं तो आप ट्राई करें, मज़ीद सेंटेंसेस बनाएं अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर, उनकी मदद लेकर।
सो स्टूडेंट्स आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।